हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुंजन शाउट्स। जब मुझसे पहले कोई हेल्दी डिशेस की बात करता था ना, तो मेरे माइंड में कुछ 5 या 6 ऑप्शंस आती थी, और अगर लो कैलोरी की बात की जाए तो आई थिंक सिर्फ 3 या 4। और अगर वो खाना बनाना इतना इजी हो कि मैं खुद बना लूं, मैं उठा ले रे बाबा, उठा ले। अच्छा, जब मैंने ब्रेकफास्ट एंड डिनर आइडियाज शेयर किए ना, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि लंच रेसिपीज भी बताओ। सो हेयर आई एम टुडे विद 7 डिफरेंट लंच आइडियाज जो कि हेल्दी हैं, मतलब खाने के बाद कोई गिल्ट नहीं, लो कैलोरी हैं और इतने इजी कि कोई भी बना ले। आई नो यू गाइज आर ऑलरेडी फॉलोइंग इन लव विद मी, आई लव यू टू, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द किचन। सो गाइज, आवर फर्स्ट रेसिपी इज मूंग दाल चीला। इसको बनाने के लिए मैंने मूंग दाल, मतलब कि छोटी येलो दाल को रात को ही पानी में सोक करके रख लिया था। अब ये थोड़ी सी गल चुकी है और अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से पिस जाए और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहेगी। सो अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल गर्म होते ही इसमें जीरा डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। प्याज के गोल्डन ब्राउन होते ही हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और उसके बाद सॉल्ट, पेपर, रेड चिली पाउडर और बस इसको मिक्स कर लो और ऊपर से कोरिएंडर डाल दो। अब एक पैन पे थोड़ा सा घी लेके स्प्रेड करेंगे और अब हम ये दाल के बैटर को इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसको एक चीले की शेप में, सर्कुलर शेप में बनाएंगे। अब हम इसके अंदर पनीर की स्टफिंग ऐड करेंगे और इसको रैप करके फुल सेक पे कुछ देर के लिए पकाएंगे, जिससे ये बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा मूंग दाल चीला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैंने मूंग दाल चीला सिर्फ शादियों में ही खाया था और मुझे नहीं पता था इसको घर में बनाना इतना आसान है और ये इतना अमेजिंग बन जाता है। सो वाजंट दैट अ ग्रेट रेसिपी विद गुडनेस ऑफ लेंटिल्स एंड रिचनेस ऑफ पनीर। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके मेरे साथ शेयर जरूर करना। और अब हम चलते हैं ट्यूजडे स्पेशल ग्रीन पाव भाजी पे। अपनी पिछली वीडियो मॉर्निंग हैबिट्स में जब मैंने ग्रीन पाव भाजी बनाई तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि इसकी रेसिपी बताओ। So here we are. ग्रीन पाव भाजी के लिए पहले हम कुछ ग्रीन सब्जियां लेंगे, जैसे कि मटर, शिमला मिर्च एंड कैबेज। आप इसकी जगह पे और भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, जैसे कि गाजर, फूलगोभी। अब हम इसके अंदर कुछ नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद करके ढक देंगे। ओके, सो जनरली पाव भाजी बनाने के लिए पोटैटो का यूज होता है, बट पोटैटो की जगह पे यहाँ पे मैं कुछ और यूज करने वाली हूँ जो इस पाव भाजी को और भी ज्यादा हेल्दी एंड प्रोटीन रिच बना देगा। एंड आई एम गोइंग टू यूज छोले। यस, तो ये छोले की सब्जी मैंने कल बनाई थी और ये लेफ्ट ओवर चने हैं और इसको मैं इस भाजी में यूज करने वाली हूँ। इससे भाजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत पंजाबी टेस्ट आता है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे पालक की प्यूरी। ओके, सो जब तक इस कुकर में विसल आएगी तब तक हम एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बटर डालेंगे। ऑलराइट, और अब हम इसमें जीरा डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। एंड अब छोटा कटा हुआ अदरक लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज। अब ये टमाटर का पेस्ट, जिसमें टमाटर और साथ में हरी मिर्च एक साथ पीसी है, और थोड़ा सा पकते ही हम इसके अंदर वो पीसी हुई पालक डालेंगे और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। पकने के बाद अब ये बॉइल्ड सब्जियां हम इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर ये मैश्ड छोले डाल देंगे। ओके, सो ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स, इनको अच्छे से मिक्स कर लो। सो भाजी को ब्लेंड करने के लिए मेरे पास ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। ये मेरे बहुत ही काम आता है भाजी पीसने के लिए या फिर कोई भी और चीज़ को इस तरह मैश करने के लिए, बहुत ही यूज़फुल है। और इससे मैं ये भाजी को पीस लेती हूँ। एंड अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और अब हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। हियर इट गोज। एंड अब इसको कुछ देर के लिए ढक देते हैं और अब हम एक पैन के नीचे गैस ऑन करेंगे और होल व्हीट पाव यूज करेंगे। सो आप भी कोशिश करो कि मैदे वाले पाव की जगह पे होल व्हीट पाव यूज करो। बस हल्का सा बटर में इन पाव को हम टॉस कर लेंगे। एंड हियर इज आवर ग्रीन पाव भाजी, व्हिच इज न्यूट्रिशियस, हेल्दी, टेस्टी,
एंड ग्रीन। अब पाव भाजी जैसी इंटरेस्टिंग डिश मिल जाए जो कि हेल्दी भी हो तो और क्या चाहिए। अब हम चलते हैं वेंसडे पे और आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी, अ माउथ वाटरिंग लंच रेसिपी। मिस्सी रोटी बनाने के लिए हम आटा और बेसन लेंगे, इसको आप 2:2 की रेशो में ले सकते हो। तो मैं 2 स्कूप ऑफ आटा एंड 2 स्कूप ऑफ बेसन ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी एंड अजवाइन, और इसके बाद कस्तूरी मेथी। अजवाइन और कस्तूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया। ओके, सो अब इस मिक्सचर के अंदर एक स्पेशल चीज डलेगी और वो है ये लेफ्ट ओवर दाल। मूंग की दाल मैंने पहले बनाई थी, सो ये लेफ्ट ओवर है और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ओके, सो अब हमने इस आटे को इस दाल के हेल्प से ही गूंदना है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट है दाल से ही इसको गूंद लेंगे और हमारा डो रेडी है। अब इस डो की हम रोटी बना लेंगे और आपको नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा आटा लेना होगा क्योंकि ये काफी सॉफ्ट है। और अब यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक यूज करने वाले हैं। आप इसको एक नॉर्मल रोटी की तरह भी तवे पे बना सकते हो, बट आओ आज कुछ अलग करते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। सो मैं इस ब्रश की हेल्प से रोटी के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर रही हूँ। ओके, सो पानी लगाने के बाद हम इसको तवे पे रखेंगे जिसमें पानी वाली साइड नीचे होगी, और थोड़ा सा पकने के बाद हम इस तवे को उठा के इस तरह से उल्टा कर देंगे और दूसरी साइड को हम डायरेक्टली फ्लेम पे पकाएंगे। ये एक जुगाड़ है रोटी को तंदूरी टेक्सचर देने का। सो इसको कभी कभी आप इस तरह भी बना सकते हो या फिर नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हो जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और रेडी है हमारी मिस्सी रोटी। इसे आप घर की बनी पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, और इसके साथ दही तो बहुत ही अच्छी लगती है। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। नाउ इट्स टाइम टू हॉग ऑन दिस एज आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। सो यम, एब्सोल्युटली यमी। एंड आई एम पर्सनली वेरी मच फॉन्ड ऑफ मिस्सी रोटी। एंड आपको पता है कि एक बहुत अच्छा टेक अवे भी है क्योंकि ये ड्राई है एंड सॉफ्ट रहती है। सो इसको आप इजिली अपने लंच बॉक्स में भी कैरी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं थर्सडे पे एंड टुडे विल मेक समथिंग रियली रियली हेल्दी। वी आर गोइंग टू मेक पालक पनीर राइस, और इस डिश को हम एक ही पॉट में बनाएंगे जिससे इसको बनाना और इजी हो जाएगा एंड ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। एक मिनट, और भी ज्यादा टेस्टी कैसे? क्योंकि पालक पनीर राइस एक साथ बनेगा जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। यू वांट टू नो हाउ टू मेक दैट? ओके, कम विद मी। अब हम कढ़ाई लेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम स्पेशली कमेंट्स में किसी ने मेरे से इस कढ़ाई के बारे में पूछा था। ये एक मीडियम साइज कढ़ाई है जिसमें 3 से 4 लोगों का खाना इजिली बन जाता है। बहुत काम की है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका ये लिड, ये कवर इसके साथ आता है। सो अगर किसी को खरीदना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी लेंगे और उसके बाद जीरा डालेंगे, एक साबुत लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे, और अब कुछ पनीर के क्यूब्स डालेंगे। पनीर को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, और इसके बाद मैं इसके अंदर ये प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा पका लो, और इसके बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर का पेस्ट जिसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च दोनों चीजें मिक्स जाए। अब सॉल्ट और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पेपर और हल्की सी हींग। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आयरन, पालक। ये पालक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दिया, और अब इसको अच्छे से फिर से हम पकाते हैं। ओके, सो आफ्टर 2 मिनट्स वी विल ऐड 1 कटोरी राइस। ये अच्छे से मैंने धो के रखे हैं, और ये 1 कटोरी राइस इसमें डालेंगे। इसके बाद हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। सो 1 कटोरी राइस में 2 कटोरी पानी। अब इसको हम अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और 10-15 मिनट में ही रेडी है हमारे सुपर डिलीशियस एंड हेल्दी पालक पनीर राइस। गाइज, ये डिश मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत ही बैलेंस्ड मील है। इसके अंदर कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, और पालक की वजह से दिस डिश इज ऑल्सो रिच इन विटामिंस। सो इट्स अ वेरी हेल्दी मील, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये वाली डिश, और इनफैक्ट आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी रेसिपीज शेयर कर रही हूँ, ये सारी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के किसी ना किसी मील प्लान में दी जाती है। सो कैन देयर बी अ मोर टेस्टी वे टू लूज वेट? अगर आप भी वेट लूज करने के लिए मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट
gunjanshouts.com पे जा सकते हो। इस प्रोग्राम के अंडर आपको मेरे सर्टिफाइड डाइटिशियंस एवरी वीक आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के देंगे। वीकली काउंसलिंग व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ वर्कआउट प्लान भी होगा जिसमें गाइडेड वीडियोस होंगी। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। दिस डिश इज लाइक ट्रीट टू आवर टेस्ट बड्स एंड इट टेस्ट बेस्ट व्हेन सर्व्ड हॉट। सुपर न्यूट्रिशियस, सुपर डिलीशियस, ये डिश आपका दिल जीत लेगी। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स फ्राइडे एंड वी विल मेक पनीर रैप। सो पहले हम इस रैप की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं जिसमें हम कद्दूकस की हुई सब्जियां डालेंगे जैसे कि कैबेज, कैरेट और क्रश्ड पनीर। अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर और अब इसके अंदर सॉसेस या फिर मेयोनीज की जगह पे हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के योगर्ट या फिर थिक कर्ड। इससे इस मिक्सचर के अंदर एक क्रीमी फ्लेवर भी आ जाएगा और हेल्दी भी रहेगी। ओके, सो अब हम लेते हैं एक लेफ्ट ओवर चपाती या फिर पराठा और उसकी एक साइड पे हम लगा देंगे घर की बनी हुई फ्रेश पुदीने की चटनी और उसके ऊपर लगाएंगे ये स्टफिंग और साथ में रॉ अनियन। अब आप इसको रैप कर लो और एक पैन के ऊपर, तवे के ऊपर हल्का सा बटर या घी लगा के इसको इस पर प्लेस कर दो। हमें इसे फुल फ्लेम पे पकाना है क्योंकि हमारी रोटी या परांठा तो ऑलरेडी पका हुआ है बट द पर्पस इज कि हमने इसके क्रस्ट को क्रिस्प करना है। सो इसलिए इसको फुल सेक पे पकाएंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाए और ये रेडी है। अब हम इसको बीच में से काट लेंगे और इसको आप किसी भी हेल्दी डिप के साथ सर्व कर सकते हो। सो ये जो डिप है ये हुमस डिप घर पे भी बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं हेल्दी डिप्स की रेसिपी लेकर आऊँ तो मुझे कॉमेंट्स में बता दो। तो ऐसे इस रैप को आप इन हेल्दी डिप्स के साथ सर्व कर सकते हो एंड इट्स रियली डिलीशियस। वू, दैट वाज फन। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड रेसिपी फॉर सैटरडे एंड आज हम बनाएंगे ट्राई कलर रवा उत्तपम। इसके लिए हम पहले एक बोल के अंदर एक कटोरी सूजी लेंगे और उसके अंदर आधी कटोरी दही और आधा कटोरी पानी डालेंगे। में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे और इतनी देर में हम एक बोल के अंदर कटा हुआ प्याज लेंगे, गाजर लेंगे और साथ में बारीक कटी हुई कैप्सिकम लेंगे। साथ में आप पत्ता गोभी और अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हो। ऊपर से डालेंगे क्रश्ड पनीर, देन सॉल्ट, सांबर मसाला और करी पत्ता जिससे हमारे उत्पम में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब बारीक कटी हुई या फिर कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे और रेडी है हमारी उत्तपम की टॉपिंग्स। अब चलते हैं वापस रवा के मिक्सचर पे। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं और अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर हम इस सूजी के मिक्सचर को सर्कल शेप में फैला देंगे। अब इसके ऊपर इन टॉपिंग्स को लगाएंगे, हल्का सा घी और थोड़ा सा पकने के बाद इसको टर्न कर लेते हैं। आप एक ही तवे के ऊपर मल्टीपल उत्तपम भी बना सकते हो अगर आप स्मॉल साइज के बना रहे हो तो। सो कैन यू सी हाउ कलरफुल दिस इज। अगर आप कम घी लगाओगे तो इसको टर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट इट कैन बी डन। यस, सो हमारे तीन उत्तपम रेडी हैं। इनको आप एक प्लेट में सर्व कर लो और पुदीने की चटनी के साथ खुद और अपने घर वालों को खिलाओ एंड आई एम श्योर दैट दे विल लव इट टू। ये एक ऐसी डिश है जिसको बच्चे हो या बुजुर्ग कोई भी इंजॉय कर सकता है। वेरी सॉफ्ट, वेरी डिलीशियस, सो डू गिव इट अ ट्राई। सो आफ्टर अ कलरफुल सैटरडे लेट्स मेक संडे इवन मोर स्पेशल। हाउ अबाउट सोया पुलाव विद कुकुम्बर रायता। पहले एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा घी जिसमें डालेंगे जीरा, स्टार एनिस मतलब चक्रफूल, उसके बाद बेलीफ मतलब कि तेज पत्ता और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकने के बाद हम इसके अंदर लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज कैरामलाइज होते ही इसके अंदर टमाटर डालेंगे और अब हम ये सोक की हुई सोयाबीन डालेंगे। इसको मैंने गर्म पानी में सोक करके सुखा के निकाल दिया है और ये भी ऐड कर देंगे। अब है इसमें मसाले ऐड करने की बारी। सो नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर और गरम मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। सो मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल के 1 कटोरी राइस डाल रही हूँ। अब
इसको आप मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के इसको ढक दीजिए। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है और तब तक हम अपना कुकुम्बर रायता रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हम कुकुम्बर को कद्दूकस करेंगे। सो यू नो कि कुकुम्बर एक कूलिंग वेजी है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके और भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं, 0% फैट होता है। सो अगर आप इस ग्रेटेड कुकुम्बर को कर्ड में डालते हो और साथ में रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालते हो तो ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सो अराउंड 10 से 12 मिनट के बाद हम एक बार कढ़ाई को ओपन करके चेक करते हैं। वाओ, हमारे सोया राइस बिल्कुल खिले हुए रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। अब हम इनको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं कुकुम्बर रायता के साथ और ये रहा हमारा हेल्दी मील रेडी संडे के लिए। ये रेसिपी न्यूट्रिशियस है, टेस्टी है, हेल्दी है, इसमें भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है क्योंकि इसके अंदर कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, प्रोबायोटिक कर्ड है और बहुत ही हेल्दी है, वेट लॉस के लिए भी आप इसको ले सकते हो एंड यस बहुत टेस्टी भी है। सो गाइज, ये थे हमारे मंडे से लेकर संडे तक के हेल्दी स्पेशल लंच आइडियाज। आपको इनमें से बेस्ट रेसिपी कौन सी लगी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, सो दैट मैं अगली वीडियोज में उस तरह की और रेसिपीज लेकर आऊं। और अगर आप इनमें से कुछ भी ट्राई करो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना मत भूलना। डू टैग मी इन योर स्टोरीज सो दैट आई कैन रीशेयर देम। इसी तरह के ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर की रेसिपीज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस पे वीडियोस हैं। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फिटनेस कम्युनिटी एंड डू सब्सक्राइब नाउ। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिट रहो, हिट रहो।